नमस्कार, शाम के साथ बनने वाले हैं फास्ट एंड फैक्ट्स का। शुरुआत करते हैं, पूरी खबरें पूरी रिसर्च के साथ बताने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर कालिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा श्री रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने के लिए आज अयोध्या पहुंचे। कहा राम हमारी आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का नहीं। महेश शर्मा ने रामायण म्यूजियम बनाने के लिए दो जमीनें देखी। अब एक पैनल इस बात का फैसला करेगा कि दोनों जमीनों में से किस पर म्यूजियम बनाया जाए। महेश शर्मा ने अयोध्या के विकास के लिए 154 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया। पूछो उनसे, जब 5 साल की सरकार खत्म होने में 1.5 महीना 2 महीने रह गए, तो कल शाम को घोषणा करी है कि हम पार्क बनाएंगे भगवान राम के नाम। बहुत अच्छा हुआ, सदबुद्धि आई कम से कम राम का नाम लेने के नाम पर। हम भंडारे जाते हैं अयोध्या के अंदर, मंदिरों के अंदर, तो वहाँ के जो संत महंत आते हैं वो पूछते हैं भैया राम मंदिर कब बनेगा, यही पूछते हैं। तो बाकी ये सब लाली पाप है। हम राजनीति में भगवान राम को नहीं लाना चाहते। राम हमारी आस्था का केंद्र है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के केंद्र है हमारे भगवान राम। वो राजनीति के लिए नहीं है, वो हमारी श्रद्धा के लिए है राम। इससे पहले महेश शर्मा ने श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। नया घाट पर सरयू नदी का अभिषेक किया। रामायण म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि से करीब 15 किलोमीटर दूर 25 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। म्यूजियम में भगवान राम और रामायण से जुड़ी चीजों का संग्रह किया जाएगा। कल यूपी सरकार ने भी अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क बनाए जाने का ऐलान किया था। ये थीम पार्क इंटरनेशनल रामलीला सेंटर में बनाया जाएगा। फर्जी डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को दिल्ली की पटियाला कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने इस मामले में स्मृति ईरानी को समन भेजने से इनकार कर दिया। कहा मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर स्मृति ईरानी को समन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के इरादों पर भी सवाल उठाए। पूछा शिकायत करने में 11 साल क्यों लग गए। आज कंक्लूड हो गया वो केस और कोर्ट ने कहा कि ये फिजूल की आपने हैरेसमेंट करी है, अगर वो मिनिस्टर ना होती तो आप ये केस भी ना करते। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्मृति ने चुनाव के हलफनामों में अलग अलग जानकारी दी। आरोप है कि पिछले दो चुनाव के हलफनामों में स्मृति की शिक्षा की जानकारी आपस में मेल नहीं खाती। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्मृति ईरानी के समर्थन में ट्वीट किया, लिखा सच की हमेशा जीत होती है। कल भुवनेश्वर के SUM हॉस्पिटल में लगी आग के मामले में अस्पताल प्रशासन ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ICU में आग लगने से 20 की मौत हो गई। हादसा कल शाम करीब 7:30 बजे SUM हॉस्पिटल में हुआ था। अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आरोप है कि SUM हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम ना काफी थे। आग में झुलसने और दम घुटने से सभी की मौतें हुई हैं। हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत सरकार के अधिकारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और सारी व्यवस्थाएँ पेशेंट्स को दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है सबको इवैक्यूएशन करना और सही इलाज करना, वो अभी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। CM नवीन पटनायक ने कल अस्पताल का दौरा किया। आरोप है कि वो पीड़ितों से नहीं मिले। अस्पताल के बाहर CM नवीन पटनायक का विरोध हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 62 लोग आग की वजह से जान गंवाते हैं। यह आंकड़े पिछले 5 सालों के हैं। 2013 में आए फायर रिस्क सर्वे के मुताबिक आग के खतरे के मामले में अस्पतालों को दूसरे नंबर पर रखा गया है। 2010 से 2014 तक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से 7,743 लोगों की जान गई। हादसे मारे गए लोगों के परिवार वालों को अस्पताल 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगा। दिल्ली और मुंबई में भी आग का कहर दिखा। मुंबई में उद्योगपति शेखर बजाज और उनका परिवार घर में लगी आग से बाल बाल बचे। मुंबई के कफ परेड इलाके में मेकर टावर में उद्योगपति शेखर बजाज का घर है। बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर आग लगी जिसमें उद्योगपति का परिवार फंस गया। समय रहते परिवार को रेस्क्यू किया गया लेकिन घर के 2 नौकरों की आग की वजह से मौत हो गई। Everybody is fine. All the family members. We are just going to hospital to just check up if everything is the smoke and everything which has been smoke should not get. There should be no lung problem. उनको सबको बिल्कुल
विदाउट इंजुरी रेस्क्यू किया गया, उसके ही सामने सर्वेंट क्वार्टर्स, वो सर्वेंट क्वार्टर्स होने की वजह से जो अंगारे हम लोग जाने के पहले ही वहाँ पे जो दो सर्वेंट बाहर नहीं निकलने की वजह से उनको उनकी डेथ हो गई है। दिल्ली के रोशनारा रोड पर फ्लोर मिल की 4 मंजिला इमारत में भी आज आग लग गई। 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है और पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 में आग लगने के 20,377 मामले सामने आए थे, जबकि 2013 में आग लगने के करीब 23,500 मामले सामने आए थे। एनसीआरबी के मुताबिक 2014 में आग की वजह से करीब 19,500 लोगों की मौत हुई थी। दोनों ही मामलों में अभी तक आग लगने की वजहों का पता नहीं लग सका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार हिमाचल पहुंचे, मंडी में 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। मंडी में पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया, कहा हिमाचल देवभूमि और वीर भूमि है। पहले इसराइल की सेना की चर्चा होती थी, अब भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया ने देख लिया है। पहले कभी हम इसराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन, 40 साल से लटका हुआ सवाल, ये सरकार है जो देश की सेना का गौरव करने वाली। ये कोल डैम बनाने का प्रोजेक्ट साइन हुआ था, ये अटल जी के आने के बाद ये काम आगे बढ़ा और आज उसके फल हिमाचल और देश को मिल रहे हैं, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मोदी ने हिमाचल की जनता को भरोसा दिलाया कि अगले 3 साल में गरीब से गरीब परिवार को भी गैस कनेक्शन मिलेगा। पीएम मोदी ने सीएम वीरभद्र पर निशाना साधा, कहा शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल की पहचान काम से होती है, वीरभद्र की नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि क्रिमिनल निग्लिजेंस के चलते नांगल बांध तालवाड़ा रेलवे प्रोजेक्ट 34 करोड़ से 2100 करोड़ का हो गया है। पीएम मोदी के इस दौरे को अगले साल हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। हिमाचल के बाद पीएम मोदी पंजाब के लुधियाना पहुंचे, महिलाओं को चरखे बांटे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में कारोबारियों को सम्मानित भी किया गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में महिलाओं को 500 चरखे दिए, महिलाओं के साथ चरखा भी जलाया। प्रधानमंत्री ने खादी बोर्ड की प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSMI की 2 नई स्कीम्स भी लॉन्च की। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर SC ST हब का उद्घाटन किया। मैं सब माताओं बहनों से बात कर रहा था, औसत 150 रुपया से ज्यादा पर डे उनकी कमाई हो रही है। गृह उद्योग के माध्यम से, खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए। पीएम मोदी ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में देश के 232 उद्यमियों को सम्मानित किया। SC ST स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। SC ST हब के लिए देश भर की 1.25 लाख बैंक शाखाएं 2-2 वेंडर तैयार करेंगी, जिसके तहत पहले साल में 2.5 लाख वेंडर चुन लिए जाएंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अत्याचार का एक नया सबूत सामने आया। ये वीडियो बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को बलूचिस्तान के नसीराबाद में रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में पाकिस्तानी सेना बलोच नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते दिखाई दे रही है। खबरों के मुताबिक सेना ने घरों पर बम गिराकर आग लगा दी, कई महिलाओं को अगवा भी कर लिया गया है। जहाँ पे भी कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा होता है या कोई सेकुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा होता है, उसको ये क्रश करने की कोशिश करते हैं। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाक आर्मी कई इलाकों में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से अब तक पाक सेना 20,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों की हत्या कर चुकी है। 1948 से ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर अवैध कब्जे के विरोध के खिलाफ बलूचिस्तान नागरिकों का संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान और POK के लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी भयंकर विरोध कर रहे हैं। इराक की सेना ने IS के चंगुल से मोसुल को छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है।
इराक की सेना के करीब 40,000 सैनिक मोसुल शहर में घुस गए हैं। मोसुल में 13 साल में सेना की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इराकी सेना के सबसे बड़े ऑपरेशन में सिया मिलिशिया कुर्द शामिल हैं। शहर पर तीन तरफ से इराक, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की फौज मिलकर हमला कर रही हैं। Some may go up to the Kurdistan region of Iraq, and very few may even cross into Syria. But this is predominantly going to be an internal displacement crisis, which is very familiar for the Iraqi people. Over 3 million people are internally displaced right now. इससे पहले तिरकित, रमादी और फजुल्ला आईएस के कब्जे से छुड़ाए जा चुके हैं। आपको बताते हैं कि मोसुल शहर इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मोसुल में क्रूड ऑयल काफी मात्रा में मौजूद है। साल 2014 में इस्लामिक स्टेट ने मोसुल पर कब्जा किया था। आईएस के सरगना बगदादी ने मोसुल को अपनी राजधानी बताया था। मोसुल में आईएस के 7,000 आतंकी मौजूद हैं। अगर मोसुल शहर से भी आईएस का कब्जा हट जाता है तो इराक के 10% हिस्से पर ही इसका असर रह जाएगा।